hello everyone and welcome back to my channel so today we will be discussing about the fact and fact plus brochures that has been released by nfsu i know i am little late but i'll discuss in brief so that you get the main points okay उसके बाद हमारे पास है शेड्यूल कि हमारा शेड्यूल क्या है ऑनलाइन एप्लीकेशन का तो सबसे पहली बात है सेवन फैब को जो फॉर्म है वो रिलीज़ हो चुके हैं ट्वेंटी फर्स्ट फैब तक ही रहेंगे उसके बाद हमारे पास एडमिट कार्ड आ जाएगा फोर्थ मार्च को और एग्ज़ाम की डेट क्या है ट्वेंटी मार्च आंसर की आ जाएगी प्रोबेबल प्रोबेबल आंसर की आएगी हमारी ट्वेंटी मार्च को और फाइनल आंसर की आएगी ट्वेंटी को विद डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट देखो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि फैक्ट होता क्या है फैक्ट बेसिकली है फ़ॉरेंसिक एप्टीट्यूड एंड कैलिबर टेस्ट बेसिकली ये नॉलेज टेस्ट करने के लिए होता है कि अगर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट है कोई फॉरेंसिक साइंस का या कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने नेट क्लियर कर लिया हो उसके पास फॉरेंसिक का कितना कैलिबर है कितना एप्टीट्यूड है और वो एफ में जा सकता है या नहीं बेसिकली ऐसा मान लो कि एफ का एंट्रेंस टेस्ट है ये अगर उसके पास फैक्ट होगा तो उसके पास एलिजिबिलिटी है कि वो एफ में काम कर सकता है ठीक है तो फर्स्ट पेज से हमें क्या पता चलता है कि टेस्ट होने वाला है ट्वेंटी मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी टू को और इसकी टाइमिंग है टेन थर्टी टू ट्वेल्व थर्टी ठीक है ये टेस्ट कौन ऑर्गेनाइज़ कर रहा है ये ऑर्गेनाइज़ कर रही है एन ओके उसके बाद आता है हमारा स्ट्रक्चर कि हमारे एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या होगा बेसिकली हमारे पास दो सेक्शन होंगे सेक्शन ए एंड सेक्शन बी सेक्शन ए नॉर्मल होगा फॉरेंसिक साइंस के बारे में जनरल क्वेश्चन होंगे और सेक्शन बी होगी हमारी स्पेशल special, स्पेशलाइजेशन जो हमें अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग चूज़ करनी है तो अब हमारे पास स्पेशलाइजेशन में क्या है लाइक फॉरेंसिक फ़िजिकल साइंसिस इसमें आएगा बैलिस्टिक डॉक्यूमेंट्स एंड फिज़िक्स फॉरेंसिक बायोलॉजिकल साइंस सीरोलॉजी एंड डी केमिकल साइंसिस टॉक्सिकोलॉजी केमिस्ट्री नारकोटिक्स एंड एक्सप्लोजिव फॉरेंसिक साइबर फोरेंसिक्स मोबाइल फोरेंसिक ऑडियो वीडियो एनालिसिस एक्सेट्रा बट ऐसा नहीं है कि एक बंदा दो से या दो तीन दे सकता है एक बंदा केवल एक अटैम्प्ट दे सकता है एक स्पेशलाइजेशन का ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है अब आता है हमारा मेन कि फोरेंसिक साइंस वाले बच्चे कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसमें सो so बेसिकली देखो अगर इस जिस हिसाब से एलिजिबिलिटी जिस हिसाब से एलिजिबिलिटी आउट हुई है ना उसके अकॉर्डिंग बी एस साइंस अगर उनके पास प्योर है तो वो बच्चा अप्लाई ही नहीं कर सकता जिसने किसी और फील्ड में फील्ड में बैचलर्स किया लाइक फ़िज़िक्स मैथ्स लाइफ साइंसेस फ़िजिकल साइंसिस जोलॉजी बॉटनी दे कैन अप्लाई बी टेक इवन बी टेक स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो अप्लाई but bachelor's in forensic science students cannot apply in this master students can apply but they have set particular subjects like for केमिकल uh, साइंसेज उन्होंने बोला है कि आपके हर ग्रेजुएशन के हर ईयर में आपके पास केमिस्ट्री होनी चाहिए तो फॉरेंसिक साइंस वाले बच्चों के पास तो ऐसा था नहीं बट देखो लाइफ साइंस वाले बच्चे एंड केमिस्ट्री ऑनर्स वाले बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं ऐसे ही बायो की बात की जाए बायोलॉजी एंड सीरोलॉजी की बात की जाए तो उन्होंने बोला है बायोलॉजी या फिर बोटनी या और जूलॉजी हमारे हर सेमेस्टर में होनी चाहिए तो उसके लिए बोटनी ऑनर्स अप्लाई कर सकते हैं जूलॉजी ऑनर्स अप्लाई कर सकते हैं एंड इवन जिनके पास लाइफ साइंसिस थी वो भी अप्लाई कर सकते हैं तो अब ये चीज़ आती है कि इन लोगों ने बैचलर्स ऑफ फॉरेंसिक साइंस को तो एकदम से हटा ही दिया है फैक्ट और फैक्ट प्लस में से जो ऐसा नहीं होना चाहिए राइट हमारे इस पेज पे उन्होंने बोला है कि टाइमिंग केवल एक रहेगी विच इज़ टेन थर्टी टू ट्वेल्व थर्टी टू आवर्स के एग्ज़ाम होगा वन ट्वेंटी क्वेश्चन होंगे फिफ्टी क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन होंगे फॉरेंसिक साइंस से लाइक किसी भी फील्ड uh, से आ सकता है बैलिस्टिक से आ सकता है टॉक्सी से आ सकता है क्यूडी से आ सकता है किसी भी फील्ड से ही क्वेश्चन आ सकते हैं सेवेंटी क्वेश्चन होंगे आपकी स्पेशलाइजेशन के कि अगर आपने साइबर लिया है तो सारे क्वेश्चन साइबर के आएंगे केमिस्ट्री लिया है तो सारे क्वेश्चन केमिस्ट्री के आएंगे ओके okay? हर क्वेश्चन एक एक मार्क का होगा और कोई भी हमारे पास नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी इसमें और हर पर्सन को ये एग्ज़ाम अगर क्लियर करना है तो उन्हें अबव फिफ्टी परसेंट स्कोर करना पड़ेगा लाइक सिक्सटी प्लस आउट ऑफ वन ट्वेंटी हमें स्कोर करना है तभी हम लोग इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होंगे और बाकी कट ऑफ वो एग्ज़ाम का जब रिज़ल्ट आएगा तब रिलीज़ करेंगे नेक्स्ट पेज पे उन्होंने आपको बताया है कि कोई भी फॉर्म ऑफलाइन नहीं होगा कैंपस में कोई फॉर्म नहीं मिलेगा आपको अगर फॉर्म फिल करना है तो ऑनलाइन फिल करना है जाके डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट एन आई सी एफ़ एस डॉट जी ओ वी डॉट इन और जो हमारे पास फ़ीस है वो मेल्स के लिए जनरल कैटेगरी के, के लिए फैक्ट और फैक्ट प्लस की एट हंड्रेड है फ़ीमेल्स के लिए और फ़ीमेल्स ऑफ जनरल कैटेगरी और जो भी अदर कैटेगरीज है ओ बी एस सी एस टी उनके लिए फ़ोर हंड्रेड है चाहे वो फैक्ट का एग्ज़ाम फिल करे चाहे वो फैक्ट प्लस का एग्ज़ाम फिल करे हमें जो फ़ीस पे करनी है वो ऑनलाइन ही करनी है वायर डेबिट कार्ड ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग और जैसा भी आपको सही लगे इस पेज पे ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन किया नहीं हुआ बस यही कहा हुआ है कि अगर आपको लास्ट मिनट डिफिकल्टीज फेस नहीं करनी तो जितना जल्दी हो सके आप अपना फॉर्म भर सकते हैं और सिलेबस जो है वो आपका यूजी और पीजी लेवल पे जितना भी आपको पढ़ाया गया है वो सब चीज़ आएगी इस पेज पे आपको बताया गया है कि सेंटर्स कहाँ कहाँ अवेलेबल है अगरतला चंडीगढ़ कोलकाता अहमदाबाद चेन्नई लखनऊ औरंगाबाद दिल्ली मुंबई भोपाल गुवाहाटी पटना कालीकट हैदराबाद एंड रांची और आपको बताया गया है कि जिस दिन आपका टेस्ट होगा उसी दिन आपके पास आंसर की आ जाएगी आप उस आंसर की को चैलेंज कर सकते हैं आपका पेमेंट लगेगा थाउजेंड रुपीज़ और आपका अगर चैलेंज सही गया तो वो पेमेंट वापस से आपके बैंक में आ जाएगी बट अगर आपका चैलेंज गलत गया तो वो पेमेंट आपको रिफंड नहीं होगा एंड जो फाइनल आंसर की है वो ट्वेंटी को रिलीज़ होगी ट्वेंटी ऑफ मार्च विद द रिज़ल्ट कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं जिसमें बोला गया है कि आप ये फॉर्म तभी फिल करें अगर आप एलिजिबिलिटी को फुलफिल कर रहे हैं अगर ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस फॉर्म वगैरह पूरा पढ़ें एडमिट कार्ड पोर्टल पर ही आएगा ऑफ़लाइन कोई एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा ऑफिशियल रिजल्ट ट्वेंटी को रिलीज़ होगा और किसी भी कैंडिडेट को के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल किया जा सकता है अगर कहीं भी किसी भी स्टेज पे वो रॉन्ग मिला फैक्ट और फैक्ट प्लस का रजिस्ट्रेशन अलग अलग होगा कोई भी फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म या कोई भी डॉक्यूमेंट्स ऑफलाइन कैंपस में नहीं भेजने हैं ट्वेंटी फर्स्ट के बाद कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगा और आपको एग्ज़ाम देने जब आप जाओगे तो अपने साथ एक आइडेंटिटी प्रूफ लेकर जाना है डिजिटल डिवाइस एज स्मार्ट वॉच कैलकुलेटर लॉक टेबल्स ये चीज़ अलाउ नहीं है एग्जामिनेशन सेंटर में अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो प्लीज़ लाइक करना शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना मेरी और भी वीडियोज़ इस चैनल पर हैं आप ज़रूर देखें उनको और कोई सजेशन है किसी भी टॉपिक पे आप पे आपको कोई वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करो मेरा इंस्टाग्राम पे, पे पेज है उसको भी फॉलो करो थैंक यू वेरी मच